Breaking Bad is a pretty good show, I know. A lot of people love it. But then again, a lot of people love Money Heist. And Money Heist se bura show maine aaj tak nahi dekha zindagi mein. Hello, hello, hello. How are you guys doing today? Welcome back to the channel. Today we're going to watch another stand-up comedy routine by Sanjay Rajoura. And it's called Science Ki Honor Killing. So let's go ahead and check it out. Come up with ridiculous theories, yaar, yaar, I'm not religious, but I'm spiritual. मैं बता रहा हूँ जिंदगी में सांप मिले वो स्पिरिचुअल बंदा मिले पहले स्पिरिचुअल को चेक करो। What the fuck? What's wrong with that man? What's wrong in being spiritual? हमारी सोसाइटी, हमारी we as Indian generally हमने रैशनलिज्म को साइंस की आहुति दे रखी है। पैदा होते ही दे देते हैं हम और पिछले पांच सालों में जो साइंस का कत्ल किया है हमने उसका कोई पैरेलल नहीं है दुनिया में। एक तुम वैसी साइंस के साथ इंडियंस का साइंस के साथ क्या क्या व्यवहार पता है कैसा है? इंडियंस का साइंस के साथ ऐसे है जैसे लड़के के घर वाले जो है ना लड़की के मायके वालों के साथ रखते हैं कि इनसे जो मिल रहा है ले लो, लेकिन फिर ये भी बोलते तुम्हारे पास पहले से ही था। मैंने देखे ट्वीट्स यार, मैंने देखे, ये तो हिंदुइज्म में 3000 साल से कुछ था, बीच में कोई गोरा लेके भाग गया, ठीक है। अब वो साइंस वापस हमारे पास अगर आई है, अब तो डिस्कवर करे तो अब हम उसकी ऑनर किलिंग कर रहे हैं, क्योंकि गोरे के साथ कैसे पक्की और कैसे कर रहे हैं साइंस की ऑनर किलिंग कर रहे हैं। सीरियसली हमारा प्राइम मिनिस्टर बोलता है यार कि दुनिया की पहली प्लास्टिक सर्जरी इंडिया में हुई है। पता है किसकी? हनुमान, गणेश की। मैं हनुमान क्यों बोलता हूं? दफा मैं मान गया कि पहली प्लास्टिक सर्जरी आपने करी है, इंडिया में हुई है, तो ठीक से तो कर लेते। इसको देख के तो यही लगता है कि गांजा फूंक के नहीं करना चाहिए सर। कौन आएगा तुम्हारे पास करवाने अगर तुम आदमी के सर की जगह? ओके ये मेरी ये टांग की प्लास्टिक सर्जरी, उन्हें गधे की टांग लगा दी उसकी, वो धुलत्ती मारता घूम रहा है। वैसे ही बंदों के लिए सरकार ने पोस्टर लगाया था जो बोला था एक बार में एक ही टांग उठाए। अगर और जिग्नेश मेवानी ने एक बड़ा ट्वीट किया, उसने बोला अगर उस टाइम प्लास्टिक सर्जरी थी और गणेश के लग गया तो एकलव्य का अंगूठा क्यों नहीं लगा? No idea, but somebody, some other character lost their thumb and, you know, वो भी दलित था। Oh, shit. एक वो त्रिपुरा का चीफ मिनिस्टर कहता रहता है कि महाभारत में इंटरनेट था। अरे भाई तो भारत matrimony.com भी बना लेते। वो अर्जुन बेमतलब में मछली नीचे ऊपर निशाने लगा आ रहा है, ये कर रहा है। वो सब कुछ अपनी प्रोफाइल में लिख देता, द्रौपदी का भी भला हो जाता, उसे पता जाता है तो 5 है। सत्यपाल ये मुंबई के कमिश्नर रह चुके पुलिस के, वो कह रहा है भाई कि इवोल्यूशन की थ्योरी झूठ है क्योंकि मेरे दादा दादी ने नहीं देखा किसी बंदर को आदमी बनते हुए। हमने नहीं देखा तो कैसे सच हो सकता? आंखों देखी। इट्स इवोल्यूशन, इट्स नॉट मैगी नूडल। दो मिनट में तैयार। एक दिल्ली में हर्षवर्धन है बीजेपी के, स्टीवन हॉकिंग जैसे ही मरा उसके अगले दिन उन्होंने बयान दिया कि स्टीवन हॉकिंग ने भी कहा है कि वेदाज आर सुपीरियर टू इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर। क्या मतलब इस बात का? क्या मतलब इस बात का जो बात है? इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, ये तो सब पता ही। सुपीरियर का कौन सा साइन है साइंस में भाई? और इतना I don't know what he said. कि स्टीवन हॉकिंग के मरने के अगले दिन बोल रहा है। पट्टी कि हम चेक भी नहीं कर सकते कि आपने बोला ऐसा या नहीं बोला। और मैं 3 हफ्ते मेरा दिमाग खराब ही, कहना क्या चाह रहा है कि वेदाज आर सुपीरियर टू इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर। एंड देन आई रियलाइज दैट फॉर एन अपर कास्ट हिंदू एवरीथिंग इज अबाउट सुपीरियरिटी ऑफ वेदास। डैम, मतलब दुनिया ब्लैक होल की फोटो बना रही है, वो साइक्लोट्रॉन में हिग्स बोसॉन पार्टिकल ढूंढा जा रहा है सन में, हम गोबर में प्लूटोनियम ढूंढ रहे हैं।
वाकई में ऐसा हो रहा है, प्लूटोनियम ढूंढ रहे हैं गोबर में। हाँ, जो क्रैकपॉट साइंसेज हैं हमारे यहाँ उनकी बड़ी, स्टीवन हॉकिंग केम टू इंडिया कोई 25 साल पहले और दिल्ली में उसका एक लेक्चर था श्री फोर्ट में, वहां पे इंडियंस पहुंच गए अपने बच्चों को लेके कि मेरे बेटे को गुस्सा बहुत आता है, इसको कौन सा पत्थर पिलाऊं मैं। That's just a joke. I don't know, maybe. इसके गुस्से में लगने लगे जोगे। Astrophysicist was reduced to a neighborhood astrologer. वो billions of dollars लग के वो साइक्लोट्रॉन बनाया जिसमें हिग्स बोसॉन ढूंढ रहे हैं, वो पार्टिकल मिल भी गया तो भी तेरे बच्चे का गुस्सा कम नहीं होगा। ₹50 का मोती इसको पिना दे तो ये ठीक हो जाएगा। क्रैकपॉट साइंस, पामिस्ट्री, हाथ दिखाओ। Yeah, हाथ दिखाओ। हर पामिस्ट्री ये बोलता है यार तुम आदमी तो ठीक हो, लोग गलत समझ लेते हैं। जस्ट यही होगी ना बात की। हिटलर को भी वो यही बोलता कि यार तूने गैस चैम्बर सही बनाए, लोग गलत समझ रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी मतलब कॉलम आता है वो अखबार में के जो है कैप्रिकॉन सैजिटेरियस, सैजिटेरियस का ये दिन ऐसा जाएगा, उसका वर्गो का ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा। उसमें लास्ट में लिखा होता है योर लकी नंबर इज 7 टुडे एंड योर लकी कलर इज ब्लू। क्या करूं मैं इस इंफॉर्मेशन को? जो बात हो रही, क्या क्या करूं मैं इस इंफॉर्मेशन को? माथे पे 7 लगा के निकल जाऊं बाहर का आज ये लकी गैम्बलिंग स्टार्ट कर दूं उसकी वजह से। The fact is we are not scientific and we feel cool about it. ठीक है, but I'm an atheist. I don't believe in God and all that bullshit. Right? But there are people out there जो cool बनने के चक्कर में बोलते हैं, no यार, I don't believe in God. I believe in some energy. मैंने कहा जस्टली इसको नफरत है स्पिरिचुअल लोगों से। मैंने कहा पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, कौन सी एनर्जी बता पहले। इट इज एन ओमिनस एनर्जी माय फ्रेंड। एंड देन दे कम अप विद रिडिकुलस थ्योरीज यार के यार आई एम नॉट रिलीजियस बट आई एम स्पिरिचुअल। मैं बता रहा हूँ जिंदगी में सांप मिले और स्पिरिचुअल बंदा मिले, पहले स्पिरिचुअल को चेक दो। अगर लोगों ने ये किया होता ना पहले तो हमें ये आसाराम बापू और जगत गुरु और ये सब संजय रजोड़ा मुझे याद आया कौन है। एक सेकंड, अबे भाई ये तो बहुत खुल के आ रहा है, इसने तो बहुत पीछे हाथ रखा हुआ था, हल्का हाथ रखा हुआ था जब ये कराची लिटरेचर फेस्टिवल में आया था लड़का। मुझे याद आ गया, मैंने 2 साल पहले शायद देखा था इसका कराची लिटरेचर फेस्टिवल में। ही वेंट टू पाकिस्तान कराची, स्पोक एट द फेस्टिवल। मैन दिस गाय इज He does not hold back, huh? He doesn't hold back at all. Iske, when it comes to his comedy routine, I don't think punching up or down really matters. He's out here spitting facts, man. I think iska George Carlin was his hero or something. I am your love, Jaja! I am your love, Jaja! Okay. Wow. उस दिन हम बात भी कर रहे थे, कुछ लोग इस तरह की बात करते हैं, लोग आके नहीं नहीं यार ये मतलब कुछ तो पावर होगी जो सब कुछ इतना ठीक चल रहा है। मैंने कहा ये ठीक चल रहा है? ये जो पूरी दुनिया में चोद मची हुई है, मतलब रिलीजन इज एंटी प्लैनेट, एंटी ह्यूमन बीइंग्स, एंटी एवरीबॉडी। मुझे बहुत खुशी होती है, यू कैन जज मी फॉर दिस, मुझे बहुत खुशी होती है जब अपने गॉड की परस्यूट में ना लोग मर जाते हैं। प्रोटेस्ट हज पे गए, स्टैम्पीड हो गए, 22 मर गए। अमरनाथ यात्रा पे गए, भूस्खलन हो गया, 25 मर गए। इनको समझ में नहीं आता, योर गॉड डजंट लाइक यू। मतलब एक अपने हुआ था ना कुछ टाइम पहले, एक बंदा था अमेरिकन, वो अंडमान में जीसस सिखाने आया था, उसको मार दिया। मतलब वो सोच कर रहा हूँ अपने घर में बैठ के ग्लोब देख रहा हूँ, दुनिया में कौन सी ऐसी जगह है जहां पे रिलीजन ने नहीं मचाई है, वहां जाके करता हूँ। ओ अच्छा, अंडमान, चलो यहां जाता हूँ।
यार मैं मेरे को हाथ से चावल खाता हूँ, मैं हाथ से चावल खाने अच्छे लगते, कोई चाइनीज आके मेरे को चॉपस्टिक देके इससे खा तो मैं अंदर ना दे दूँ उसके। वो गया वहां पे आदिवासियों को, ट्राइबल्स को जीसस सिखाने की तुम्हें जरूरत, खुश है कि जीसस सिखाओ, दे दिया उन्होंने अंदर, दे दिया जो बाहर उन्होंने मार दिया उसको। लेकिन मजे की बात है कि जब आदिवासी अंदर दे रहे थे, जीसस नहीं आया। That's punching down. If you talk about punching down, that is so fucked up, dude. How you make fun of religious people like that, man? जितनी घटिया कॉम ह्यूमन बींग्स की है ना, कंपाउंडेड विद रिलीजन। प्लैनेट से अगर ह्यूमन बींग्स हट जाए ना, तो प्लैनेट शायद मिलियन ईयर तक चलेगा। हमने गंद मचा के रखी हुई है, अपने अपने बाप की जागीर समझो हुआ इस प्लैनेट को। भीड़ है यहां पे, रिसोर्सेज नहीं है, और हर लीडर आके आपको प्रॉमिस करता है कि मैं और डेवलपमेंट लेके आऊंगा। यार फाइनाइट रिसोर्सेज से इनफाइनाइट डेवलपमेंट कैसे हो जाएगी? इस हिसाब से चाइना में तो बहुत बहुत ज्यादा, लेने के लिए हवा नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, खड़े होने के लिए जगह नहीं है, गर्मी बढ़ती जा रही है लेकिन फिर भी लोग बच्चे पैदा करने बंद नहीं कर रहे। They keep on procreating and they are proud about it. कि मेरे घर नन्नी परी आई है, नन्ना परा आया है। यार ये मेट्रो का डब्बा है ये प्लेनेट, भीड़ भरी हुई है इसके अंदर। आप सोचते हो अगले स्टेशन पे कुछ उतरेंगे, वहां और चढ़ जाते हैं। Good one, man. Good one. जब 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 किसी के ही घर में बच्चा पैदा हो, मातम मनाना चाहिए। ये क्या हो गया, कैलाश वैली की तरह। एंड बाय दैट लॉजिक, जब जब कोई मरे, खुशी मनानी चाहिए, जगह खाली हो गई, कैलाश वैली की तरह। पाकिस्तान में एक वैली है, करिए हमने इस प्लेनेट की और बाकी सारी स्पीशीज की, इतने सारे को एक्सटिंक्ट कर दिया। अगर अगर कोई गॉड है भी, अगर कोई गॉड है भी और इंसानों की हरकतें देखता होगा ना, तो बोलता होगा, वो अपने दिमाग में सोचता होगा कि आइडिया तो अच्छा था। वेरी गुड यार, संजय राजोरा इज क्लास अगेन, एस क्लास वाले लेवल पे है ये लड़का, बहुत आला यार, क्या बोलूँ मैं। संजय इज वेरी वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट। येस, अ लॉट ऑफ हिज जोक्स वर यू नो बेस्ड ऑन दिस होल, क्या कहते हैं लोगों को, इको वॉरियर्स, यू नो, उनके एजेंडा पे थोड़ा लाइन था इसका कंटेंट। एंड आई टू अ सर्टेन एक्सटेंट आई डू अग्री विद अ लॉट ऑफ द थिंग्स दैट ही सेड, आई डू अग्री विद अ लॉट ऑफ द पॉइंट्स दैट ही मेड, बट देर आर सर्टेन थिंग्स दैट वी नीड टू बी एबल टू अंडरस्टैंड कि यार वी आर ह्यूमन बींग्स एट द एंड ऑफ द डे। हम इस लेवल पे देख सकते हैं कि हर लेवल पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, मिनिएचर लेवल पे, हमारे लाइफ साइज लेवल पे, फिर हमसे बड़े लेवल्स पे, प्लानिटरी लेवल्स पे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो देर इज नॉट मच वी कैन डू टू अफेक्ट दोज थिंग्स, दीज आर बिगर देन अस, दीज थिंग्स आर वे बिगर देन वी कैन यू नो handle. But having said that, we have been fucking earth very hard for the past 20-30-50 years. Hum bahut jo baat hai kyunki insano ne freedom de di apni, give up kar di hai aur governments ke haath mein de di, and governments are using human beings from other countries, even from their own countries, in a way to, you know, development ke naam pe, jis pe it's really costing the earth. That is true. Jab aap 10 hospital ek mahine mein bana sakte ho na apne shahar mein, to aapne 10 lakh logon ki saans lene ki jo quality of air thi na, wo bhi kharab ki hogi uske wo karne ke beech mein. Saath saath aapne earth se resources liye hain, to wo resources bhi aapne khatam kiye hain, wo dobara nahi aayengi, wo pichle karodon saalon se bani hai wahan pe, jama hui hui hai, wo hum use karte rehte hain aur wo jadoo se wapas nahi aa sakti, wo cheeze ja rahi hain, use ho rahi hain. So that's, we should keep that in mind. Earth is made up of so much shit from hundreds and hundreds and thousands and billions of years ago. वो सब मिल के जमा होके एक planet बनता है, और वो उसके अंदर जो resources हैं वो हम use करते हैं. Now there are talks about, you know, going to space, finding resources outside, bringing them back to Earth so we can sustain Earth for longer, which is great, good news, but you know, it's still a long ways. So I do agree with a lot of his points, but I also disagree with a lot of his points. Loved those jokes about how Indians honor kill science. I think it's me again, it's not just Indians, desi log karte hain ye. मैं इसमें पाकिस्तान को भी शामिल करूंगा, क्योंकि जो बात है, जब हमें इंडिया में कम से कम देयर इज यू नो स्टिल अ ह्यूज चंक ऑफ पीपल दैट बिलीव इन साइंस एंड वांट टू यू नो एक्सेल इन साइंस, पाकिस्तान में वो नंबर बहुत छोटा है, परसेंटेज बहुत छोटा है, पीपल यूजुअली ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम साइंस अंटिल अनलेस वो साइंस अग्री करती है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर लोग बोलते हैं कि हाँ साइंस सही है, लेकिन जब साइंस थोड़ी अलग होने लगती है तो वो बोलते हैं कि नहीं, साइंस तो प्रूवन नहीं है, थ्योरी है, सिर्फ थ्योरी है,
And they have a point. It's not proven. Even the theory of evolution is still called theory of evolution. I'm not denying it. I'm not saying that it doesn't exist. But I'm saying it's still a theory, right? Nobody can prove it how you can prove other scientific experiments. You can't test it and prove it and then test it again and then prove it. You can't do that. So that's the problem with evolution of theory. But theory of evolution. But it is the, you know, status quo. You know, that's the normal way of thought process when it comes to evolution and, you know, human behavior and all those things. And we follow that theory, and it's pretty sound. Sare, you know, all directions point towards that theory, so it must be true. And there's so much evidence to prove that theory can work. So it is a pretty strong theory. Isne jo ye wali baat ki thi na ki mujhe khushi hoti hai jab wo religious log apne usme aate hain aur wahi tapak jaate hain. I mean, back many many years ago jab main Karachi mein rehta tha, and I used to work. ये खबरें आती थी, न्यूज़ आती थी कि ये प्रोटेस्टर्स जो हैं प्रोटेस्ट कर रहे थे और दो बंदे मर गए. तो पहले तो मुझे बहुत दुख होता था सुन के कि यार दो बंदे मर गए प्रोटेस्ट करते हुए ऐसी रोड. फिर मुझे होता था कि यार ये चाहते ही क्यों हैं प्रोटेस्ट करने, इतना इतने दिन में क्या है इनकी. तो इट्स अबाउट यू आई गेस कि आप किस तरह समझते हो अगले बंदे की दर्द को. कुछ लोग इतना सीरियस लेते हैं चीज़ों को कि वो बाहर जाके सड़कों पर खड़े हो जाते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं. कुछ लोग करते हैं क्योंकि उनको किसी ने बोला होता है कि भाई जा खड़ा हो सड़क पर, जाके गालियाँ बक, जाके शीशे तोड़, जाके ही कर. सो देयर इज यू नो ऑल काइंड्स ऑफ पीपल आउट देयर. बट या इट इज काइंड ऑफ अ कॉस्मिक जस्टिस, I guess. Yeah, so I see a lot of George Carlin vibes in him. Also Omar Sharif wala style, because Omar Sharif bahut karta tha ye harkat apne stand up routines mein. Achanak se he would go on a tangent and, you know, start ranting about certain things and then come back to his comedy. He did that in this session as well. So you can see what kind of comedy, you know, what kind of brand of comedy he's into, and it's pretty ballsy and it's pretty controversial when it comes to, you know, topics like religion and human beings and planets, you know, life on earth basically. So yeah, he's controversial, but he makes good points and he believes in what he's saying, so you know that counts for something. I personally do not think atheists are, you know, bad people. They want to live their life, you know, like a human being, and they want to find things out on their own, and they have every right to do so. Agar kisi ko atheist banna hai to usko banne dena chahiye, par agar koi nahi hai aur koi religious hai to usko atheist logo ko usko bura nahi feel karana chahiye. Atheists shouldn't be like, oh, you're an idiot because you believe in religion or you believe in God. Yeah, wo again uska personal belief hai. You might believe, you know, Breaking Bad is a good TV show. You're a fucking idiot if you believe that, right? Kitna, I mean, it's a good show, sure. I'm not saying it's a bad show, but it's such an annoying show. Bahut lamba show hai, khansta rehta hai wo har waqt. There's so many things wrong with it, right? To say ki, oh, Breaking Bad dekhta hai ye chutiya sala, isko kya pata kya hota hai, acche shows kya hota hai, you know what I mean? And I'm sorry, I'm using Breaking Bad as an example. Breaking Bad is a pretty good show, I know a lot of people love it, but then again a lot of people love Money Heist, and Money Heist se bura show maine aaj tak nahi dekha zindagi mein. It's a terrible show. Very easy show, bahut aasan halwa. It's like watching Race 1 2 3 4 ek saath. That kind of a show. It's like that movie Now You See Me. Halka, easy, asan, cheap, sasta entertainment, sasti thrills. Yeah, that's my point of view about that. So I hope you guys enjoyed watching me react to this and my review, and make sure you like this video. I don't know why I keep saying this every time. You guys know what to do. Please make sure every time you like the video and, you know, subscribe to my channel if you haven't already. Don't make me say this again and again. Ajeeb sa lagta hai, aisa lagta hai robot hu main bar bar ek cheez repeat kar raha hu. You guys know what to do, so please do it. And yeah, also support me on Patreon if you can. That helps the channel a lot, keeps the channel going. So please make sure you support me on Patreon. Link in the description. I will see you guys tomorrow with another video. Take really good care of yourself. Shabba khair. On a summer day.